नीचे कहाँ बैठे हो? सर हो गया, वो दूसरे लियो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट पास पास मान जाओ, पास पास मान जाओ। इधर देखिए ऊपर, ये कुर्सी हटा दो। ये नहीं जी, आ जा आ जा, बहुत ज्यादा बैठ जाओ। नहीं जी हां बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अशोक जी, नीचे बैठ जाओ। मैं जी कितने पैसों का लेन देन हुआ आपके माध्यम से? भैया भैया थोड़ा पीछे बैठ जाओ। बच्चे हैं आपके, परिवार है आपके, पिताजी को अंदर रहना पड़ा, इस बारे में क्या कहना आपको? जैसा कि आप सभी के ध्यान में है कि एवी विनल की तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ था दिसंबर 2018 में, जिसमें कि वहां की एक एम्प्लॉई अन्नपूर्णा सेन के द्वारा बड़ी मात्रा में पैसों का गबन किया गया था। उस मुकदमे का अनुसंधान चल रहा था, लगातार ये जो आरोपी है फरार थे, इनको पकड़ने के लिए टीम लगा करके लगातार हमारे प्रयास जारी थे। उसी क्रम में हमने अन्नपूर्णा सेन को गिरफ्तार किया है, वो अपने एक सहयोगी अमित वर्मा के साथ में थी, दोनों को गिरफ्तार किया गया। और बाकी इसमें अनुसंधान जो शुरू किया गया है उसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिनका पता किया जाना आवश्यक है। इसमें और भी कर्मचारी अधिकारियों के मिली होने की संभावना है, और अभी ये अनुसंधान और इंटरोगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। देखिए, हमारी टीम ने बहुत जगहों पर रेड की है, जिसमें कि बंगलौर, दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, गाजियाबाद आदि जगहें हैं। जब तक हम पूरा फाइल पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, तब तक हम अभी ये बता नहीं पाएंगे आपको कि कहां से हमने इसे गिरफ्तार किया। सर पुलिस लेट नहीं है सर मामले में लगे? किस तरह से लेट पकड़ने में सर? देखिए, जब भी कोई आरोपी फरार होता है, उसे पकड़ने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास लगातार जारी थे। मेरे आने के बाद में जैसे ही मेरे नॉलेज में ये मैटर आया था, हम लगातार तब से प्रयास कर रहे थे। कई बार होता है आरोपी छुप जाता है, उसके कोई भी क्लू नहीं रहते हैं पास में, तो समय लग जाता है। बाकी हमारे प्रयास लगातार थे और उसी का नतीजा है कि आज हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। सर लेटर में किसी एक बड़े नेता का नाम बता रही है जो लेटर आपको और मीडिया को? देखिए, बहुत सारे नाम और होने की संभावना है, जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक हम किसी भी नाम के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। इसमें कई और कर्मचारी अधिकारी होने की संभावना है, अन्य भी कोई व्यक्ति यदि है तो वो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन से पता किया जाएगा। पुलिस को लेटर मिलता है और उसके सेकंड डे गिरफ्तारी हो जाती है, क्या इसने सरेंडर किया है? नहीं, सरेंडर नहीं किया। मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूँ कि सरेंडर नहीं किया है, पुलिस के एफर्ट से ही लेडी का पता चला है। जैसे मैंने आपसे कहा, आरोपी कई बार फरार हो जाता है और कोई क्लू नहीं होता है तो समय लगता है। कई बार आरोपी अपनी चालाकी में कुछ करता है, उससे क्लू डेवलप होता है और उस क्लू को फॉलो करते हुए हम पहुँच जाते हैं आरोपी तक। हमने पकड़ा है, कोई सरेंडर नहीं किया गया। किस तरह पहुंचे सर? देखिए, वो नहीं बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि उससे फिर आगे अन्य जो मुलजिम होते हैं उन्हें फ़ायदा मिलता है और वो ध्यान रखते हैं ज़्यादा। पर मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि ये पुलिस के एफर्ट से ही ये पुलिस को मिली। अमित वर्मा जो है, ये पूरे पैसों के हेर फेर में इसके साथ में था, इसने सहयोग किया है इस पूरे गबन को करने में, सहयोगी के रूप में काम कर रहा था इनके साथ। जो कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं जिनसे खलबली होगी, तो उनको क्या पाबंद करेंगे वहाँ रहने के लिए, या वो भी स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है? देखिए, हमें अभी, मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, जब तक हम किसी के बारे में स्पष्ट नहीं हो जाते हैं कि वो दोषी है या नहीं है, तब तक हम उसे पाबंद नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के बारे में हमें लगेगा कि ये व्यक्ति, इनके खिलाफ हमारे पास सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, हम उन्हें पाबंद कर सकते हैं कि वो कहीं भी जिले को छोड़कर हमसे बिना परमिशन के बाहर नहीं जाएं। बाकी अन्य किसी को हम पाबंद नहीं करा सकते। देखिए, मैंने जैसा पहले ही कहा कि हमने किसी को पाबंद नहीं किया है, जब तक सबूत नहीं हो हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि वो अपना कहीं और घूमने या जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसा कोई भी अधिकार पुलिस के पास नहीं है। जब तक गिरफ्तारी लायक कंटेंट नहीं हो, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। पूरे प्रकरण में कब तक पुलिस सभी लोगों को ले लेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक गबन का मैटर है, जिसमें कि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, और उन सभी चीज़ों को करने में समय लगता है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अनुसंधान पूरा हो। पूरा सहयोग था आपकी जांच के अंदर, दस्तावेज वगैरह देने वगैरह में? डिस्कॉम की तरफ से ये मुकदमा दर्ज हुआ, जैसा कि आपको पता है। डिस्कॉम की तरफ से जो अपेक्षित सहयोग है वो हमें मिल रहा है, और हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। जो भी हमें उनसे जानकारी चाहिए वो हमें उपलब्ध करा रहे हैं, और हम कार्रवाई करें। देखिए, इस तरह के मैटर में बरामदगी इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पैसों का हेर फेर के साथ ही पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट और अकाउंट से कैश में कन्वर्ट होता रहता है।
हम कोशिश करेंगे जिन भी अकाउंट्स में उन अकाउंट्स से या तो पैसा पाया जाए या फिर उन अकाउंट को सीज करें। सर करीब 65 खातों में इसने पैसे डाले जी, उसमें से कितनों को वेरीफाई कर लिया है, कितनों को सर आरोपी माना गया? अधिकतर खातों का हमारे पास डिटेल है, हमने उन खातों के होल्डर को चेक करने की पूरी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके खाते में पैसा आया है, अभी तक हम उसे निर्दोष मान रहे हैं। जिस व्यक्ति ने पैसे आने के तुरंत बाद रिपोर्ट कर दिया कि साहब मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, मुझे पता नहीं है कहाँ से आए हैं, उस व्यक्ति को भी हम फिलहाल निर्दोष मान रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पैसा निकाल के यूटिलाइज कर लिया है, उन्हें हम प्राइम ऑफिसर ही मान रहे हैं कि वो इस पूरे प्रकरण में मिले हुए।